life changer a near. मैं सानिया कुरैशी आपको पढ़ाऊंगी CSIR UGC NET के जनरल एप्टीट्यूड. जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कुछ क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. उसी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और वो है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एंड ऑन कंटिन्यू ब्लू एट ब्लू एंड फोर ग्रीन बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन इन रैंडम, दो बॉल आपकी रैंडमली आपने उसमें से उठा ली है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर द सेम कलर इज, दोनों आपकी जो बॉल्स हैं वो सेम कलर की होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है आपका वो है थोड़ा सा ट्रिकी. यानी कि ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, उससे पहले इसमें आपको एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फार्मूला है जो मैंने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको अरेंजमेंट्स का उससे. अब स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि 12 आउटकम्स हैं. कितने आउटकम्स हैं? 12 आउटकम्स हैं. बट हमें 12 से 12 को नहीं करना है, हमें उसमें से दो बॉल एक साथ उठानी है, और वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम कलर्स की होनी चाहिए. तो ऐसे टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं कि आपकी 12 में से जब आप दो बॉल्स को पिक करो तो टोटल कितनी आनी चाहिए? सेम कलर की आनी चाहिए. तो उसके टोटल चांसेस कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी अरेंजमेंट्स में आपको स्टार्ट कराया था, तब मैंने आपको अरेंजमेंट्स बताया था सैलिड का एग्जांपल लेकर. तो सिमिलरली ही हम यहाँ पे करेंगे, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? टोटल बॉल्स है हमारे पास 12. अरेंज हमें कितनी करनी है उनमें से? अरेंज हमें करनी है उनमें से 2 को. तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आउटकम निकल कर आएगा वो आएगा 12C2, यानी कि आपका 12 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल. इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 12 × 11 × 10 का फैक्टोरियल मैं ऐसे ही एज इट इज लिख दूंगी, ये हो गया आपका 2 × 10 का फैक्टोरियल. 12 माइनस 2 क्या होता है? 10 होता है. तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा वो आपको समझ आ गया होगा. 10 का फैक्टोरियल 10 के फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 2 × 2 × 2 × 6, तो ये आपका आ गया 66. टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 66. हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 66. अब फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं. हमें अरेंज कितने करने हैं? 8 बॉल्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वहाँ से हम 8 है और 4 है, तो एक अरेंजमेंट हमें 8C4 का निकालना है, सॉरी 8C2 का निकालना है. तो इसका क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल. तो इसमें मैं 8 × 7 / 2 लिख सकती हूँ. 8 × 1 = 8, 4 × 4 = 28. यहाँ से कितना आया हमारे पास? 28. अब हमें क्या करना है? 4C2 कर देते हैं. 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख दूँ? 4 × 3/2 × 2C2, तो ये कितना हो गया? 6. अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 28 + 6 कितना होता है? 34. हमारे पास ये कितना आ गया? 34. तो हमारे पास यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है वो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है 34/66. इसकी कटिंग करो, 2 × 2 = 34, 2 × 2 = 14, 2 × 3 = 6. तो हमारे पास आ गया 17/33. तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 17/33. तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है. ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी के साथ अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस भी समझ लो, आपने एक तरीके से ये
अरेंजमेंट और प्रोबेबिलिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछना प्रीफर किया जाता है जिसमें आपके एक से ज़्यादा कंसेप्ट लग रहे हों, ताकि वो ताकि कितना आपको क्लियर है ये सब, यानी कि ये चीज़ ये हो जाती है कि थोड़ी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज गेन करना। आपके पास कितनी नॉलेज है उसका जज हम इस टाइप के क्वेश्चन से लगा लेते हैं टीचर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर नहीं भी हुआ है तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। आपके पास 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि दो बॉल्स एक क्लियर किया है, तो 12 बॉल्स को जो अरेंजमेंट आएगा टोटल आउटकम्स इस टाइप से जो निकल कर आएंगे वो आएंगे 66, और 8 में से ऐसे अरेंजमेंट कितने बनेंगे और 4 बॉल्स के साथ ऐसे अरेंजमेंट कितने बनेंगे वो आपने देखा। तो उन दोनों को निकाल के हमारा टोटल और फेवरेबल आउटकम निकला और उससे हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जैसे कि आपने हमारी हर वीडियो को लाइक किया है उसी तरह आप हमारी इस वीडियो को भी पसंद कर रहे होंगे और हमारा उत्सव बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर रहे, इस वीडियो को भी आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। और अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस ऑन दी लाइक बटन। इससे हमें ये लगता है कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिला है, आपने हमारी वीडियो को पसंद किया है, और हम जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं तो हम उससे भी अपना बेटर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमारे साथ ऑडियंस जो है वो हमारे काम को पसंद कर रही है तो हम टीचर्स का ये होता है कि हम उसे और बेस्ट दें, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं आपको काफ़ी अच्छे पार्ट्स दिए हुए हैं। अच्छे पार्ट्स, अगर आपने ये अच्छे पार्ट समझ लिए अच्छे से तो शायद आप कार्ड से रिलेटेड हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट्स करके उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। एक पैक है जिसमें से कार्ड ड्रॉन किया गया है। तो यहाँ से आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट के, कि इसका जो टोटल आउटकम होता है वो 52 होता है। अब वो 52 आउटकम्स कैसे होता है ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा वो पूरा चार्ट 52 कार्ड्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से पूछा है फेस कार्ड, तो अगर मैं बात करूँ फेस कार्ड के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी हुई है समझी हुई है तो आपको पता है और आपने थोड़ा आंसर भी कर दिया होगा। फेस कार्ड होते हैं हमारे 12, तो यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई 0.12/52। स्टूडेंट्स मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बनाऊंगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आप खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आई थिंक अब तक इतनी कैलकुलेशन सभी को मैथ्स स्टूडेंट्स को तो खैर आती ही है, बट जो हमारे लाइफ साइंस की ऑडियंस है, केमिस्ट्री की ऑडियंस है, फिजिक्स की ऑडियंस है, जिन्हें उनको भी इतनी कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके 12/52, इसकी आप सिंपलेस्ट फॉर्म बना देना। तो ये बात थी आपकी, एक बहुत इजी क्वेश्चन है आपका हो गया होगा, आपने स्क्रीन पर इससे पहले देखा था कि फेस कार्ड के फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या निकल कर आ रहे थे। अब बात कर लेते हैं बी की। बी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसे 26, फेवरेबल आउटकम 26 थे तो प्रोबेबिलिटी आपकी आई होगी 26/52। सिंपलेस्ट फॉर्म आप खुद करें। सी पार्ट, ब्लैक किंग। ब्लैक किंग की यानी कि किंग जो है वो ब्लैक क्लब में है, और ब्लैक के जो 26 कार्ड होते हैं फिलहाल जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो दो कार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी जो निकल कर आएगी वो 2/52 निकल कर आएगी। तो ये तो थी ब्लैक किंग की। अब मैं बात करती हूँ एस की। आप स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे एस टोटल कितने हैं, टोटल एस हैं आपके 4, तो ये 4 एस हमारे
हमारे हो गए 4/52 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे फर्स्ट 4 पार्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं ई पार्ट, जो कि थोड़ा सा आपका ट्रिकी है। ई एंड एफ पार्ट इंपॉर्टेंट ही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इनको हम एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वो कह रहा है, वो ई पार्ट में प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ब्लैक की एंड किंग, यानी कि ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। ब्लैक के साथ साथ कंडीशन क्या दे दी है उसने, क्या होनी चाहिए, किंग की होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में एंड आ रहा है, क्वेश्चन में एंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे चीज देखनी है जो ये दोनों ही सेटिस्फाई करे, यानी कन्फर्मली ब्लैक भी हो और जो हिंदी में और होता है ये एंड वो वाला और है किंग भी हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ब्लैक भी है और किंग भी है। ऐसे कितने कार्ड्स है, 2 कार्ड्स है, 2/52 ही आएगी। तो चाहे वो ब्लैक किंग की कह दे प्रोबेबिलिटी, चाहे ब्लैक एंड किंग की प्रोबेबिलिटी कहे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए ब्लैक एंड किंग हम, या ब्लैक एंड क्वीन कह दें तब आपका उस हिसाब से आएगा, ब्लैक एंड एस कह दें तो ये होगा आपका। तो ये आपका एंड का मतलब है कि जो दोनों कंडीशन फुलफिल करें वो आपका लिया जाएगा। तो ये पार्ट था ई का, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ पार्ट में स्टूडेंट्स में थोड़ा फास्टली, अगर आपको लग रहा है कि फास्टली करा रही हूँ तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आउटकम्स में आपके सारे फेवरेबल और सारे टोटल आउटकम्स जितने थे वो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ और अब भी आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। अब एक पार्ट में वो पूछ रहा है रेड और क्वीन। यहाँ पर ये जो और है इसमें हिंदी का, हिंदी में इसका मतलब होता है या तो रेड हो या क्वीन हो। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड 26 कार्ड्स होते हैं, रेड कितने हैं 26, क्वीन कितनी होती हैं 4। तो ये जो 4 क्वींस हैं इनमें से 2 रेड क्वींस हैं, तो वो वाले सब्ट्रैक्ट कर दो इनमें से, बचे कितनी 2। तो ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो रेड भी हैं, जो रेड है या फिर क्वीन के कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स हैं हमारे पास 28। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 28/52। तो और एंड वाला जो कंसेप्ट है आपका, एंड का मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी वाला जो और होता है उससे लेना है, यानी कि दोनों ही कंडीशन एक साथ फुलफिल करें। जो और है इसमें जो हिंदी में या वाला होता है उससे लेना है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन जो भी फुलफिल कर रहा है उसे हम काउंट करेंगे। तो ये तो थी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जहाँ तक और आपको सारे क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है या कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखता है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और आपको विद इन 15 मिनट्स उसकी सॉल्यूशन अवेलेबल करा दी जाएगी, क्योंकि लाइफ चेंजर की टीम आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स मैं यहीं पर अपना लेक्चर को एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन अगर कोई हुआ जो आपकी क्वेरी आएगी उससे भी हम लेकर प्रोबेबिलिटी के, और ज़्यादा हमारा फोकस अरेंजमेंट पर रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।